पहले नहीं करता था ब्रीडिंग कबूतरों की, लेकिन अब मैंने ब्रीडिंग शुरू कर दी है। क्यों? ये देख सकते हैं, ये हैदराबाद की नस्ल है, हैदराबादी ही कहलाता है ये कबूतर। इनकी कीमत जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने सिंपल एक कीमत बता देता हूं, जो हैदराबाद से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, वो अपनी छत पे ज़रूर कर लें क्योंकि मौसम गर्मी का ये देखिए पूरा पैट वर्ड है जो कैनल का नाम है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा। हाँ। और होता क्या है, जैसे कि अगर गर्मियों में कबूतरों को नहीं उड़ाएंगे तो उनके अंदर कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं। ये क्या नाम हुआ, ये सारी की सारी फीमेल्स हैं, निकलेंगे मेल अलग बंद रख करता हूँ, फीमेल्स अलग बंद करता हूँ। हाँ, ना सही है, इनकी मुझे ब्रीडिंग नहीं करानी। और जानवर सिर्फ दाने और पानी और भूख के लिए आपसे मदद कुछ चाहिए नहीं, दौलत संपत्ति से उसे कुछ भी नहीं चाहिए नहीं। इन्हें आपसे जो ऊपर होगा वो आपकी तरह बनना चाह रहा है, आपकी तरह करना चाह रहा है, इसलिए आपसे खिसिया रहा है, वो इसलिए नेगेटिव कमेंट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे, मौज ले रहे होंगे अपने अपने घरों पर। तो गाइस, अचानक से आप देख रहे होंगे कि माहौल चेंज हो चुका है, लोकेशन नई आ चुकी है। मेरा भाई है अंकित सक्सेना, इसका नाम है, मेरी सोसाइटी में ही रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसका एक महंगा शौक है, महंगा शौक आप लोग पीछे देख रहे होंगे। महंगा शौक क्या है? कबूतरबाजी। हर कोई नहीं समझ पाएगा इस बात को, लेकिन जो लोग कबूतरबाजी के बारे में जानते हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे कि कबूतर कितने महंगे महंगे आते हैं। तो आज हम यही जानेंगे, इसी बात के बारे में जानेंगे। और भाई का है चैनल AS पेट वर्ल्ड, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, डिटेल में अंकित भाई बताएगा। तो आगे जो आवाज़ होगी वो मेरे भाई की होगी, आप लोग सुनिए और जानिए कि क्या है कबूतरबाजी, क्या है ये महंगा शौक, और कितना पैसा लगता है, और कितनी मेहनत लगती है, और कितनी देख रेख लगती है। अगली आवाज़ है मेरे भाई की, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आज अजितेश मेरे घर आया है, बहुत बचपन का याराना रहा है मेरा इससे और हमेशा से रहा है। और जैसे कि आज ये आया है तो आज मैं इसे अपना शौक़ भी दिखाऊंगा। फिलहाल इसे तो मालूम ही है, बचपन से मैं कबूतरबाजी का शौक़ कर रहा हूँ। आओ तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो है पीछे तुम दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को, ये पूरा का पूरा मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। पहले नहीं करता था ब्रीडिंग कबूतरों की, लेकिन अब मैंने ब्रीडिंग शुरू कर दी है क्योंकि कबूतर जैसे कि सभी लोग जानते हैं बहुत बहुत महंगे आते हैं। आओ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपना शौक कबूतरों का। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा दूँ, आप इस पे देख रहे हो मच्छर जाली लगी है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है इस पे मच्छर जाली क्यों लगी है। आइए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, आप जितने भी इसके गेट या खिड़की है उसमें मच्छर जाली लगी है, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं। और ये बाहर वाला गेट है, ये शाम को मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि वो ओपन एरिया है कबूतरों का, ये मैं बंद कर देता हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मच्छर जाली है। और पीछे एक खिड़की विंडो दे रखी है मैंने वेंटिलेशन के लिए, उसमें भी मच्छर जाली है। और जितने भी केजेस इनके बने हैं आप इसमें भी देख सकते हैं मच्छर जाली लगी हुई है। होता क्या फ्रेंड्स, बहुत कॉमन डिजीज़ होती है कबूतरों में, जो कि होती है मच्छर के काटने से दाने निकल आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसमें कबूतर जो होता है वो मर ही जाता है। वो होता से मच्छर के काटने से वो पक जाते हैं बाद में और उससे कबूतर मर जाता है। तो मैंने अपने ब्रीडिंग सेटअप में चारों तरफ मच्छर जाली लगा रखी है फ्रेंड्स। तुम कहाँ गए बेटा? इधर से गिरे, इधर से गिरे। फ्रेंड्स ये आप लोग जो देख रहे हैं पेयर, ये पेयर मेरा हैदराबाद से मंगाया हुआ है, ये उसके बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, हैदराबाद से आया हुआ पेयर है फ्रेंड्स, दोबारा से अंडे दे दिए हैं। ये देख सकते हैं, ये हैदराबाद की नस्ल है, हैदराबादी ही कहलाता है ये कबूतर। और फिलहाल ये मादा है और इसका नर बाहर है, दोबारा से इसने अंडे दे दिए हैं, बच्चे निकल आए हैं। और ये ट्रांसपोर्ट बाय फ्लाइट आए थे कबूतर वहाँ से, हैदराबाद से। इसके अलावा मेरे पे कई नस्ल के, गोलों में ही एक नस्ल होती है उसमें कई नस्ल के कबूतर हैं, जैसे कि ये शिराजी है, इसे शिराजी कहते हैं, ये हैदराबादी कहलाते हैं। और सारी ब्रीडें हैं मेरे पास इस समय तो, और ज़्यादातर जो है जैसे कि ये ब्रीडिंग सेटअप है तो इसमें बच्चे ही रखे हुए हैं, हर जगह पे बच्चे या फिर अंडे हैं कुछ खानों में। और इसके अलावा अंडे भी रखे हुए हैं, अंडे भी रखे हुए हैं। बाकी कुछ कबूतर आप देख सकते हैं बाहर हैं, इसमें बच्चे भी हैं, बड़े कबूतर भी हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नीचे। ये जो कालों का पेयर है इसमें जो आप देख रहे हैं, ये कहलाते हैं काले मैनजात, और ये गंडेदार हैं और ये काफ़ी कॉस्टली रहते हैं क्योंकि ये बहुत से लोगों की पसंद है। ये कबूतर जो है सभी लोगों को पसंद आते हैं, जो कबूतरबाज हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन उन्हें ये जो नस्ल है बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
उसका कारण ये है ब्लैक पे वाइट बहुत ज़्यादा जमता है इस वजह से। और इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं वो करते हैं शिराजी हुआ है, सेकंड रो में शिराजी ये बैठा हुआ है फ्रेंड्स। एक ये नस्ल है कबूतरों की शिराजी, ये भी सभी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है। और जितने भी इसमें मैंने पेयर डाल रखे हैं फ्रेंड्स, ये सारे पेयर काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि कबूतरबाजी बहुत सस्ता है, और जो कबूतरबाजी लोगों की थिंकिंग है कबूतरबाजी बहुत मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लोग करते हैं, फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है। कबूतरबाजी आज की तारीख में सबसे महंगा शौक है। अगर आप इनकी कीमत जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने सिंपल एक कीमत बता देता हूं, जो हैदराबाद से मैंने कबूतर मंगाए हैं वो 1500 रुपये पर के आए थे फ्रेंड्स। एक कबूतर 1500 रुपये का आया था हैदराबाद से, तो आप समझ सकते हैं कॉस्ट क्या होगी इन कबूतर। स्टार्टिंग कॉस्ट है ये, स्टार्टिंग कॉस्ट नहीं कहूँगा, स्टार्टिंग कॉस्ट तो 200-300 से चालू हो जाती है। हर तरीके का है, लेकिन वो क्वालिटी मैं रखता नहीं, मेरे पे जितने भी कबूतर है सब सुपीरियर क्वालिटी का है, अच्छे से अच्छा कबूतर है जो सभी लोग पसंद करेंगे, चाहे वो कबूतरबाज हो या ना हो, शौकीन भी होंगे अगर पक्षियों के या जानवरों के, उन्हें ये कबूतर रंग से भी पसंद आएंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे। ये सब वही कबूतर हैं फ्रेंड्स। तो अंकित भाई कितना समय हो गया आपको ये करते हुए? तुम्हें तो वैसे पता ही है, मुझे पता है, लेकिन मेरी ऑडियंस को नहीं पता है। मैं 5th क्लास में था तब से, समझ रहे हैं गाइस, 5th क्लास में था भाई, जब जिस समय लोग बच्चे अपने आप को नहीं पाल पाते हैं, मैं उस समय से कबूतर पाल रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। ये बात तो तुम जानते ही हो। पहले ये था कि कम थे कबूतर, क्योंकि उस समय ना जॉब थी, सिर्फ जितना हो सकता था उतना करता था, लेकिन आज की तारीख में जॉब है तो उस हिसाब से अपना शौक कर रहा हूँ, और अच्छे से अच्छा शौक कर रहा हूँ। ये सारे मेरे ब्रीडिंग पेयर्स हैं। इसके अलावा मैंने कबूतर और भी रख रखे हैं जो मेरे पे उड़ाता हूँ, जिनको मैं जाड़ों में ज़्यादातर मैं उड़ाता हूँ, उन्हें उनका भी आप लोगों को अभी शौक कराता हूँ, ऊपर लेके चलूँगा। और फ्रेंड्स जो भी कबूतर आप पालते हो या ना पालते हो, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, वो अपनी छत पर ज़रूर कर लें, क्योंकि मौसम गर्मी का आ रहा है। मैं 12 मास्क रखता हूँ वो चीज़ें, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि अपनी छत पे ये दो काम ज़रूर करके रखें। जैसे कि मैंने कहा था छत पे दो चीज़ें ज़रूर रखें, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हमेशा परमानेंट मेरी छत पे रखी रहती हैं। सबसे पहले दाना रखा हुआ है, और दूसरा कुंडेली में पानी। तो ये तो ये मतलब हमेशा से रखता हूँ, जो मतलब रेगुलर उड़ते फिर रहे हैं, जो हाँ जो जंगली हैं, छुट्टा है, फाफता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके पीछे एक और भी रीज़न है, मैं जैसे घोंसला भी बना देता हूँ आपको, फाफता या जंगली हो रहने के लिए अगर आना चाहे मेरे पे। अच्छा एक बात ये कि जैसे कबूतर या चिड़िया उड़िया घर में जैसे घोंसला उसला बना देती है, तो उसे उजाड़ देना चाहिए, लगा रहने देना नहीं, कभी भी नहीं। किसी का घर उजाड़ होगा आपका घर भी उजड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो अंकित ने जवाब दे दिया। यहाँ पे एक पेयर है, ये बहुत समय से मेरे यहाँ रह रहा है। इसके अलावा भी पेयर आते रहते हैं, जगह बनाई थी लेकिन वो रह नहीं पाए। एक चीज और दिखा दूं गाइस, ये देखिए पूरा पैट वर्ड है, जो कैनल का नाम है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रख दिया है। ये कौन सी ब्रीड है देखो, मुझे तो पता नहीं। ये शिज्जू है, बाकी ये मौज में रहते हैं अपने, इनका कूलर लगा हुआ है, गर्मी की ठंड के लिए भी व्यवस्था है, गर्मी के लिए भी व्यवस्था है, हीटर भी है, सब है यहाँ पर। सही है। और ये हमारी बेटी है, और ये बिटिया रानी है अंकित की। हेलो करो, अरे क्या नाम है, नाम बता दो। अरे शर्मा रही हो यार, डैडी के चैनल पे तो आ जाती है रुई। हाँ रुई, पापा के चैनल पे, पापा के चैनल पे आती है। वही तो कह रहा हूँ। तो रुई इनसे खेलते रहते होगे आप? हाँ सही, ये इनके फेवरेट है, क्योंकि हमारी बेटी के फेवरेट है ये। आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर छत पे और दिखाते हैं बाकी कबूतर। तो गाइस छत पे आ चुके हैं, ये पूरा जाल लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये नेट लगा दिया है, उसकी वजह ये है कि जैसे कि गर्मी आ गई है अब, और गर्मियों में कबूतरों को मैं उड़ाता नहीं हूँ, जाड़ों के मौसम में उड़ाता हूँ। अगली बार जब उड़ाऊंगा तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, दिखवाऊंगा। बाकी वीडियोज मेरे चैनल पे पड़ी हुई है उसकी उड़ते हुए की। और होता क्या है, जैसे कि अगर गर्मियों में कबूतरों को नहीं उड़ाएंगे तो उनके अंदर कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं, जैसे दूसरों की छत पे उतरना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कबूतर किसी और की छत पे उतरे और दाना चुंगे, तो इसलिए नेट लगा रखा है। बाकी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें कबूतर खोल के, ये सब मेरे कबूतर उड़ने वाले हैं। चलो हटो, जाओ। पूरा जंगला बंगला बना रखा है भाई ने। कितने सारे क्वांटिटी में है कबूतर, कम हो गए यार, दो जाल खाली हो गए। अरे इस बार बीमारी आ गई थी बहुत। ये सब चीज़ें तो रहती हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए गाइस ये क्या नाम है, वाह
ये सारी की सारी फीमेल्स हैं। अच्छा, मेल वर्जन निकलेंगे? मेल अलग बंद रख करता हूँ, फीमेल्स अलग बंद करता हूँ। हाँ, ना, सही है। इनकी मुझे ब्रीडिंग नहीं करानी, और अच्छा। साथ में रहेंगे तो ये ब्रीडिंग करेंगे ही करेंगे, उसके फिर उससे क्या होता है कि उड़ाने में दिक्कत होती है, कबूतर खराब हो जाता है। आप ऊपर देख दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को। देखिए गाइस, कमेंट करके बताइएगा किसको कौन सा पसंद है, और जो जो कबूतरबाजी करते हो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एएस पेट वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नॉलेज चाहिए हो, किसी भी पेट से रिलेटेड या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो मेरे भाई से संपर्क कर सकते हैं आप लोग। देखिए कितनी वैरायटी है अंकित भाई के पास। चलो इन्हें मैं अंदर कर देता हूँ, आपको मेल भी खोल के देखा। अच्छा, मेल की बारी है। चलो भाई, चलो अंदर चलो। लेडीज थोड़ी जाएंगी इतने आसानी से। अच्छा, चल बेटा आप आ जाओ। चलो भाई, चलो अंदर। चलो अब तुम्हें इधर आना पड़ेगा, मर्दों की बारी। अच्छा, इस साइड आ जाओ। मैं उधर आऊँ? हाँ, देख रहे हैं इस कितनी मेहनत का काम। छत पे कोई आता नहीं है ना, घर में भी। इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं, ये सोच रहे होंगे मैं नीला ले ना आऊंगा। नहीं, असल में है क्या, चलो। दिल्ली 6 मूवी की याद आ गई देख के भाई। वाह, कबूतर बहुत पहचानता है, छत पे कोई आता नहीं है, अकेला मैं होता हूँ तो इस वजह से डरता है कोई भी आ जाए तो। चल बेटा आप आओ बच्चे। लेकिन गाइस सब तरफ से बंद है ये। चलो बेटा, चलो अंदर, चलो चलो अंदर। क्या गुड रूम चल रही है, वाह। अब गाइस मेल डिपार्टमेंट आएगा घूमने के लिए थोड़ी देर बाहर। चलो चले जाओ यार, मान नहीं। चलो जैसे तैसे तो निकालते हो बाहर, फिर अंदर 2 मिनट बाद। खुलने के बाद इंसान नहीं चाहता बंद होना, ये तो कबूतर है। देखिए गाइस अब निकलेंगे, झटपट झटपट। ये सफर 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 इसने। ये सारे के सारे मेल हैं, और जैसे कि इस समय गर्मियाँ है तो सब छूटे हुए हैं, लेकिन इसको दिखा सकते हो आप व्यूअर्स को अपने। इनके साथ बैठने से सारी टेंशन खत्म हो जाती है। आपको कितनी दिन भर टेंशन हो, आधे घंटे खोल के इन्हें बैठ जाओ और इनको निहारते रहो, सारी टेंशन खत्म। इनके साथ बैठने में मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाए, कितनी थकावट हो कुछ भी हो, इनके साथ बैठता हूँ सब दूर हो जाती है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें भी कुछ हैदराबाद वाले इसमें भी हैं कबूतर, जो मैंने हैदराबाद से मंगाए थे। इसके अलावा भी सब अच्छी क्वालिटी। अंकित भाई, किसी हमारे कबूतरबाज भाई को कुछ पसंद आता है तो वो आपसे डील कर सकता है? नहीं नहीं, मैं इसमें से कोई भी कबूतर बेचता नहीं। अच्छा अच्छा, ये वो कबूतर नहीं है। कुछ लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये कबूतरबाजी, मतलब बैट उट तो नहीं लगाई जाती इन कबूतरों को? नहीं, ये बैट वाले नहीं है, बैट वाले दूसरे कबूतर होते हैं, वो छूट के कहलाते हैं। अच्छा। उन्हें छोड़ा जाता है, वो रेसिंग पिजन होते हैं, और जिसका पहले आ जाए वो जीत जाता है। ये उस टाइप के कबूतर नहीं है, ये सिर्फ शौक, छत का शौक है। हाँ। आप छत पे अपने वैसे उड़ा सकते हैं, और हाँ ये दूरी बहुत बहुत दूर जा सकते हैं, यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं और वापसी आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक पक्षी है जिसे अपना घर कई सालों बाद भी याद रहता है। इसमें एक कबूतर है मेरा, करीब करीब 2 साल बाद लौट के आया, आपको दिखा दूं। तो गाइस आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, ये कबूतर है, ये तो अरे दैया रे, ये बैठा हुआ है, ये बैठा है अकेला, ये क्या, ये समझ गया मैं। ये कबूतर जो है मेरा करीब करीब 2.25 साल बाद लौट के आया है, मैंने इसे हटा दिया था, गया अंदर, गया अंदर। तो फ्रेंड्स, कबूतर बहुत अच्छा शौक है अगर आप अपनी छत से करें तो, लेकिन अगर आप दूसरों की छतों पे जाएंगे और दूसरों के साथ बाजार उजार जाएंगे तो ये सबसे गंदा शौक है। आप इस शौक को सिर्फ अपनी छत से करें, अच्छे से कबूतर पालें। और सबसे आपको एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जो अभी अभी ने सवाल किया था कि जो घर में घोंसला बना लेते हैं उन्हें हटा देना चाहिए, तो उस वो मुझे थोड़ा सा अभी तक चुभ रहा है। उसकी वजह ये है, घर में अगर आपके कोई मेहमान आ रहा है तो क्या आप उसे भगा दोगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कुदरत ने कबूतर हो, कुत्ते हो, कोई भी पक्षी, अगर वो इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो इसीलिए बना हुआ है। इंसान, भगवान ने उन्हें इसीलिए बनाया है कि वो इंसान के पास इसीलिए रहते हैं, क्योंकि इंसान को उन्हें मालूम है, उन्हें आशा है कि इंसान उनके लिए कुछ करेगा। और ईश्वर ने यही बोला है कि अगर आप तुम इंसान हो
तो इनके लिए कुछ ना कुछ करो, मतलब जानवर तो ऐसे बहुत फिरते रहते हैं जो मतलब सही है। बात है, और मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया जहान छोड़ के वो आपका घर चुनते हैं, वो अपना घर चुनते हैं अपना घर बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। और मेरा कहना यही है, अगर आपके घर पे कोई भी बर्ड आ रही है, मैं कह रहा हूँ कबूतर आ रहे हैं, चिड़िया आ रही हैं, जैसे अब गौरैया है, गौरैया एक प्रजाति है जो विलुप्त होती जा रही है, जिसका बहुत महत्व है, यहाँ तक कि गेहूं की खेती में बहुत महत्व है, लेकिन वो विलुप्त हो रही है, उसके पीछे भी हम ही लोग हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, कड़ियों वाले घर होते थे तो उसमें वो घोंसला बना लेती थी, आज सब पक्के घर हैं और उन्हें घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिलती है। मैंने बीच में ट्राई किया था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, नीचे पेड़ है, मैंने उस पर लगाया था, गौरैया रही भी एक साल रही, उसके बाद वो छोड़ के वो चली गई जगह, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है थोड़ा हरा भरा, और उन्हें फीड में उनकी खुकनी होती है तो उन्हें खुकनी ढूंढनी होती है, तो वो अब अवेलेबल हो नहीं पाती है क्योंकि सब जगह मकान बन गए और सब पक्का हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी रहेगी कि अपने घर पे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दाना, आपका कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, लेकिन उन बेचारों का पेट भर जाएगा, उनके बच्चों का पेट भर जाएगा। तो अंकित, वीडियो के एंड में कुछ आप अपना चैनल का कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपसे हेल्प मांगना चाहे? मेरा चैनल का नाम है AS पेटवर्ड, और लगभग एक साल हो गया है मेरे को इस चैनल को चलाते हुए, और इसमें मैं ज़्यादातर हेल्प कर देता हूँ लोगों की, मेरे पे व्हाट्सएप भी आते रहते हैं, और कुछ बाहर के फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कंट्री के, जैसे आप मान सकते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता सबसे ज़्यादा होती है, तो मेरी उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेना देना चलता रहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जिसे जानवरों के बारे में पूरी जानकारी हो, इसलिए सबसे सजेशन लेने भी चाहिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो देना भी चाहिए। और तो AS पेट वर्ल्ड जो चैनल है, किस टाइप की वीडियोस आप डालते हो? मैं मोस्टली तो अपने कबूतरों की ही वीडियोस डालता हूँ, या और जो मेरे दोस्त लोग हैं उनके यहाँ के जो कबूतर थे उनका शौक दिखाता हूँ, कैसा कैसा लोगों का शौक है। इसके अलावा कुछ वीडियोस मैंने, एक वीडियो तो मैंने डाल रखी है जिसमें गाय बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, और एट प्रेजेंट मुझे याद है दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और कोई भी उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया था, तो मजबूरन उसका ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ा था, एक वीडियो वो पड़ी है। वैसे मैं गायों के ट्रीटमेंट हो गया, बाहर डॉग्स का ट्रीटमेंट हो गया करता रहता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं बनाता और दिखावा नहीं करता इस चीज़ का, लेकिन वो करना मेरे लिए ज़रूरी था इसलिए मैंने एक ही वीडियो डाली है। अभी भी कॉलोनी में एक गाय है जिसके बच्चे के पैर में रॉड पड़ी हुई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके पट्टी बैंडेज होती है हर दूसरे तीसरे दिन, वो करने मैं जाता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स इसका शो ऑफ नहीं करता, लेकिन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। देखिए, अगर इंसान सिर्फ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कर रहा है वो तो उसको करना ही करना है, वो उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप अगर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। समाज में जानवर भी आते हैं इंसानों के साथ साथ, यही नहीं इंसान एक बार को सेल्फिश है, वो अपने मतलब के लिए आपसे मदद मांगेगा, लेकिन जानवर सिर्फ दाने और पानी और भूख के लिए आपसे मदद कुछ चाहिए नहीं, दौलत संपत्ति से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें बस प्यार चाहिए और खाना चाहिए, रोटी दे दो, वक्त की रोटी चाहिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे सब घूम रहा है, कितने खुश हैं, सब गुडक रहे हैं, अगर इन्हें कोई दिक्कत होती तो यहाँ ऐसे गुडक नहीं रहे होते, मस्ता नहीं रहे होते, सब मस्ती में है पूरी अपनी। तो गाइस, आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा, और अंकित देख भाई मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे कुछ नेगेटिव लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उनके मन में सवाल उठ रहा होगा जरूर, और जरूर मुझे पता है कमेंट करेंगे कि आपके अंकित भाई सिर्फ कबूतरबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो गाइस, मैं अंकित से चाहता हूँ कि तुम बता दो कि तुम इसके अलावा प्रोफेशनली क्या करते हो। मैं 2011 से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक फार्मा कंपनी में, और ये जो मेरा कबूतरों का टाइम है ये सिर्फ सुबह का है, 1.5 घंटे अपना शौक करता हूँ, जैसे लोगों को कई शौक होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा शौक ये है, मुझे 1.5 घंटे 1.5 से 2 घंटे सुबह लगता है इनको दाना पानी करना, खिलाना, साफ़ सफाई करना, और उसके बाद शाम को जैसा मेरे पे समय निकलता है, लोगों के साथ क्या होता है वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों के साथ बैठते हैं, और मेरा है थोड़ा सा अलग ग्रुप, मैं जानवरों को टटोलता हूँ, किसको मेरी ज़रूरत है, मैं शाम को जैसे गाय का, अगर गाय ये कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है, मैं जानता हूँ पर्सनली ये सब कुछ नहीं, अगर लगता हूँ किसी को झूठ बोलता है तो सामने एक गाय है, शाम को चलना मेरे साथ, बैंडेज करने जाऊँगा, वो आप लोगों को दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ज़्यादातर समय मुझे अच्छा लगता है बिताना जानवरों के साथ, नहीं बहुत जितना मेरे पे वैकेंट जिस समय होता है वो मैं जानवरों के साथ ही बिताता हूँ। बाकी और नेगेटिव वाली बात रही, अगर कुछ व्यूअर्स नेगेटिव हैं तो देखिए फ्रेंड्स, 5 उंगलियां हैं, 5ों बराबर नहीं होती, और कोई भी अगर एक इंसान है वो 5 लोगों के लिए एक सा नहीं होगा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए थोड़ा अच्छा, किसी के लिए थोड़ा बुरा, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल्स पर भी कभी कभी नेगेटिव आते हैं कमेंट्स, लेकिन उसका रिप्लाई मैं करता हूँ,
और बहुत नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उसको अगर आप किसी नेगेटिव कमेंट को अगर आप वैल्यू देंगे तो वो सोचेगा कि मुझे वैल्यू दी जा रही है। उसे वैल्यू मत दे बिल्कुल भी, कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि वो आपके बराबर का नहीं है, वो आपकी बराबरी करना चाह रहा है, इसलिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है। वो आपसे नीचे है, वो आपसे नीचे है। देखिए इंसान किससे किसी आता है कि आपसे जो ऊपर होगा वो आपकी तरह बनना चाह रहा है, आपकी तरह करना चाह रहा है, इसलिए आपसे खिसी आ रहा है। वो इसलिए नेगेटिव कमेंट कर रहा है, वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, ना कर पाएगा कभी भी। जो नेगेटिव थॉट रखेंगे वो कभी किसी की भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव थॉट लेके काम करेंगे तो हमेशा बराबरी करेंगे और अच्छा भी करेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो को करते हैं कि मेरे भाई का सेटअप आपको कैसा लगा, कबूतर कैसे लगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एएस पेट वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कबूतरबाजी का शौक रखते हैं वो अंकित भाई से संपर्क कर सकते हैं। राम राम, जय श्री राम, बाय बाय।